विंड एनर्जी से स्टार्ट कर रहे हैं वापस से। कभी भी, मैंने पहले भी बताया, कभी भी क्वेश्चन आए एनर्जी के ऊपर, स्टार्टिंग हमेशा एक चीज से करना, INDC के गोल से। ठीक है, INDC का गोल, INDC का क्या गोल है भाई? INDC गोल ये क्या है? इंडिया ने प्रपोज किया था पेरिस क्लाइमेट डील में, याद आ गया? ये क्लाइमेट डील में इंडिया की तरफ से ये प्रपोज है कि हम अपने देश में ये चीज़ें करेंगे। उनमें से एक चीज़ था एनर्जी से रिलेटेड। उसमें उन्होंने क्या बोला था कि भाई 175 गीगावाट की बिजली हम कहाँ से उत्पादन करेंगे, टोटल 175 गीगावाट की बिजली, ये आएगा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से, रिन्यूएबल एनर्जी से। मतलब हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन करेंगे, जिसमें से हम क्या करेंगे, 100 गीगावाट की जो भी बिजली उत्पादन होगी वो आएगी सोलार की तरफ से, 60 गीगावाट आएगी विंड की तरफ से, ठीक, और 10 गीगावाट आएगी वो कहाँ से आएगी, बायोमास से आएंगे, ठीक, और 5 गीगावाट कहाँ से बच गया, तो ये बच गया स्मॉल हाइड्रो पावर, यहाँ से आएगा, ठीक। ये टारगेट हमेशा रट्टा मार लो, कभी भी एनर्जी आए तो लिख देना। तो यहाँ पर देखो, ये जो विंड वाला है वही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, विंड से टारगेट कितना है, ये कितने कब तक करना है, ये बोला है कि भाई हम जो ये बिजली उत्पादन करेंगे INDC का, इसको हमने 60 गीगावाट बाई कितना बताया तो था, 20 कितना, 2022 23 24 25 26 27 28 29 30 कितना बताया था, बाई 2022 तक, क्लियर है, ठीक। तो भाई विंड का 60 गीगावाट बिजली उत्पादन करना है, यही इस चैप्टर का दिमाग में आपने बसा लो, 60 गीगावाट हम लाएंगे 2022 तक, काहे से, विंड से उत्पादन करना है, ठीक, ये तो हमारा लक्ष्य है, ठीक। अब ये टारगेट हमेशा यहाँ से चालू होगा, सारा एनर्जी चाहे सोलार पे ऊपर आए, विंड पे आए, बायोमास पे आए, हाइड्रो पे आए, ठीक है, ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं, ये और ये और ये बचा हुआ है, तो धीरे धीरे करके बढ़ते हैं, ठीक है। अब समझो क्या बोल रहा हूँ, अब जो नेक्स्ट है हमारा, तो सबसे पहले हम समझ लें कि विंड की तरफ, विंड से हम बिजली उत्पादन करने की बात कर रहे हैं, तो इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, इंडिया की क्या पोजीशन है, कितना पोटेंशियल है, और क्या क्या सरकार कर रही है, क्या क्या चैलेंजेस है, ये सब हमको समझना है। तो सबसे पहला एक हम देखते हैं कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पहला कि भाई इंडिया में पोटेंशियल कितना है, विंड एनर्जी का पोटेंशियल बताओ। विंड एनर्जी से रिलेटेड इंडिया की पोटेंशियल अब हमको समझना है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया फोर्थ पोजीशन पे लाई करता है, इंडिया फोर्थ, समझ में आ गया, काहे में, जितना भी बिजली हम उत्पादन करते हैं ना उसके अनुसार, पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्री बिजली उत्पादन करती हैं उसके अनुसार इंडिया किस स्टैंड पर है, फोर्थ, ठीक है ना, ओवरऑल विंड जनरेशन कैपेसिटी इसके आधार पर, ठीक है, हमारी जो भी उत्पादन करता है उसकी जो भी कैपेसिटी है उसके आधार कितना, फोर्थ पोजीशन पर है, ठीक है। तो बस याद रखो फोर्थ पोजीशन पे विंड पे इंडिया का पोटेंशियल है। एट प्रेजेंट कितना पोटेंशियल है, जब हमने INDC बनाया था तो बोला गया था कि भाई 60 गीगावाट तक हम बना सकते हैं, गीगावाट है ये, ठीक है, उस पोटेंशियल के अनुसार हमने INDC गोल सेट किया और पेरिस क्लाइमेट डील में हमने रख दिया था। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो पोटेंशियल है हमारा, ये टाइम टू टाइम हम इसको बढ़ा सकते हैं विथ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ, जितनी बेटर टेक्नोलॉजी आ जाएगी हमारा पोटेंशियल उतना बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल इंक्रीजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। जरूरी नहीं है कि आज हम 60 गीगावाट बना रहे हैं तो आज से 4 साल बाद भी हम 60 ही बनाएंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, इंप्रूवमेंट हो जाएगा तो और ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्लियर है, क्लियर, अब समझो, ठीक। अभी एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है विंड से रिलेटेड, एंड अब ऐसे समझते हैं, देखो अनएक्सप्लोर्ड छोड़ो, पहले यहाँ पे मैं साइड में लिख ले रहा हूँ ताकि भूलू ना, देखो ये इंडिया का कोस्ट है, ठीक, अभी हमारी जो भी विंड वगैरह जनरेट होती है ये मेनलैंड में होती है, समझ में आ गया, मेनलैंड में,
जमीन के पास, जमीनी के आधार पर। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे तो खूब विंड ब्लो करती है ना हर दिन, है ना, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, ये सब पड़ा होगा, ठीक है, ज्योग्राफी में, ठीक। तो इस कारण क्या हो रहा है कि अभी ये जो पोटेंशियल है, यहाँ तो हमने अनएक्सप्लोर्ड है, यहाँ पर तो हमने देखा ही नहीं है कि भाई कितना ज़्यादा पोटेंशियल है हमारा, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ कि इंडिया का ये वाला जो एरिया है, समझ में, अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, अनएक्सप्लोर्ड एरिया कहाँ पे, कोस्टल, कोस्टल सी रीजन, समझ में आ गया, जो ईईजेड वाला रीजन है ना, ये वाला अनएक्सप्लोर्ड है, ठीक। ईईजेड मतलब यहाँ से जो 200 नॉटिकल माइल होता है, इतना दूर, यहाँ तो हमने अभी ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, ठीक, क्लियर है। तो ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया, लेकिन अब जो एक्सप्लोर्ड एरिया है, मतलब जहाँ पर हम काम करते हैं, ये वाला मेनलैंड, उसी पे ही क्या बहुत अच्छा है, सारी जगह हम कर सकते हैं क्या? जैसे मैंने बताया था कि भाई आपको टाइड तो दुनिया में हर जगह आती है, तो क्या फिर हर कंट्री के पास टाइडल फैसिलिटी होनी चाहिए? बट उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। अब समझते हैं कि भाई हमारे इंडिया में भी कहाँ कहाँ ये हो रहा है, विंड कैपेसिटी जनरेट होती है और कहाँ कहाँ नहीं होती है। एक चीज़ और याद रख लो, अभी अभी एक चीज़ और फीचर मैं क्या बोल रहा हूँ, 7 गीगावाट है ना ये वाला, यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, अभी एट प्रेजेंट जितने भी बिजली हम उत्पादन करते हैं ना, सबसे ज़्यादा बिजली हमारी रिन्यूएबल सेक्टर में, देखो मान लो रिन्यूएबल सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी जितने भी हम उत्पादन करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अभी कहाँ से आता है? आप लोगों को लगेगा कि सोलार से सब ज़्यादा आता है, समझा, सोलार से नहीं आता, सब ज़्यादा एट प्रेजेंट विंड से आता है, समझा क्या? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है? जितने भी हम रिन्यूएबल में जो उत्पादन करते हैं, वैसे तो जो बिजली उत्पादन करते हैं उसमें सब ज़्यादा कोयले से करते हैं हम, पर यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, रिन्यूएबल में, रिन्यूएबल में जितना भी कंट्रीब्यूशन है सब ज़्यादा कहा का विंड का कंट्रीब्यूशन, विंड कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट, ये सब ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? विंड्स का है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, अब देखो ये ठीक, ये हमारा कोस्ट है, ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी है, और ये है, सॉरी, ये है बे ऑफ बंगाल, और ये है अरेबियन सी, ठीक, क्लियर। अब एक चीज़ याद रखना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर हम बात करें कि भाई एक इंस्टीट्यूशन है जिसको बोलते हैं नीवे, नीवे, नीवे क्या है, नीवे का फुल फॉर्म है नेशनल, लिख लो इसको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, समझ में आ गया। ये कहाँ है? ये है चेन्नई में। इसने क्या किया है, एक इंडिया का विंड एटलस बनाया है, प्रिपेयर्ड इंडियास विंड एटलस। अब ये विंड एटलस क्या है, ये विंड एटलस वो है कि इंडिया में कहाँ कहाँ इतनी विंड ब्लो हो रही है जिससे हम विंड एनर्जी में कंट्रीब्यूट करा सकते हैं, समझ में आया कि भाई ऐसी ऐसी साइट्स को आप आइडेंटिफाई करिए, ऐसी ऐसी जगह को ढूंढा है नीवे ने जहाँ पर इतनी हवा चल रही है और रेगुलर रूप से हवा चल रही है, समझ में आ गया। ये जो विंड होनी चाहिए ना, ये विंड, विंड को अगर एनर्जी में यूज़ करना है तुमको, तो भाई ये विंड को एक तो पहले याद रखना कि भाई ये स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तेज विंड आ रही है, समझ आ गया, कि भाई उड़ा ही ले जाए, आंधी तूफान नहीं होना चाहिए, एक स्टेबल होना चाहिए, इसके साथ साथ ये स्टेडी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस एक घंटे के लिए आ रही है हवा, समझ आ रहा है, रेगुलर रूप से आती रहनी चाहिए उस एरिया में, प्लस उसके लिए स्पीडी विंड चाहिए, ये जरूरी होना चाहिए, समझ आ रहा है ना, क्या क्या, स्टेबल होना चाहिए पहला पॉइंट, स्टेबल, दूसरा स्टेडी, स्टेडी मतलब रेगुलर रूप से थोड़ा एक कॉन्स्टेंट मेंटेन करके रखे, स्पीडी मतलब क्या कि भाई इतना एनर्जी तो होनी चाहिए, स्पीड नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, जितना तेज हवा ब्लो करेगी उतना तेजी से तो पंखी घुमाएगी, पर इतना नहीं कि अब साइक्लोन जैसी स्पीड चाहिए, वो तो फिर पूरा डिवास्ट कर देगी, ख़त्म कर देगी, समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये आइडेंटिफाई किया है, ये पैरामीटर लेती है और उसके अनुसार विंड एटलस बनाया गया, विंड एटलस के अनुसार वो बताती कि भाई ये जगह है यहाँ पर, मान लो कि भाई उसने बताया कि भाई ये जगह है यहाँ पर आप विंड का इंस्टॉलेशन लगा सकते हो, उससे बिजली उत्पादन होगी,
समझ में आ रहा है? इसके अनुसार उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया है? देखो, अगर हम इंडिया के एटलस की बात करें, विंड एटलस की, तो उसने क्या बोला, देखो ईस्टर्न कोस्ट है ना, जो ये ईस्टर्न पार्ट, ये वाला रीजन, ये अच्छा नहीं है, समझा क्या, ये नॉट गुड फॉर विंड एनर्जी, समझा क्या। अब वेस्टर्न गुड, ये वेस्टर्न कोस्ट जो है, वेस्टर्न कोस्ट ये परफेक्ट बताया है, बोला कि भाई यहाँ पर है लार्जर पोटेंशियल, यहाँ पे क्षमता बहुत ज्यादा है, समझ में आ गया, काहे के लिए, विंड एनर्जी के लिए, विंड एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा क्षमता है। अब ऐसा क्यों, अब उसने कुछ रीजन बताए हैं, जैसे उसने बोला है कि भाई गुजरात ले लो तुम, यहां से पूरा ये वाला जो वेस्टर्न कोस्ट प्लस ये गुजरात को भी इंक्लूड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, तो गुजरात में सबसे ज्यादा बेहतरीन कंडीशन बन रही है, ठीक है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, हाँ महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, ठीक, फिर यहाँ पे केरल है, और यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा तमिलनाडु का रीजन भी उसने आइडेंटिफाई किया, समझा गया, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा पैकेट्स में तो कहीं कहीं बीच बीच में आंध्र प्रदेश के भी मिल रहे हैं, बट ओवरऑल क्या याद रखना है कि भाई ये जो वेस्टर्न रीजन है ना, इंडिया का वेस्टर्न वाला रीजन, यहाँ पर अच्छा खासा हमारे पास पोटेंशियल है विंड का, लेकिन जो ईस्टर्न कोस्ट है ये वाला रीजन, ये खतरनाक है हमारे, यहाँ पर विंड के लिए अच्छा नहीं है, सही नहीं। तो ऐसा क्यों है भाई, यहाँ पर तो सोचो, यहाँ पर अब हवा तो ऐसा है नहीं, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज तो वो ये थोड़ी देख के आ रही है कि वेस्टर्न कोस्ट है कि ईस्टर्न कोस्ट, पर फिर ये वाला अच्छा मॉल रहे हो तुम और इसको बोल रहे हो कि ये खराब है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भाई इस वाले रीजन में रेगुलर क्या आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, समझा गया, समझा रहे, यहाँ पर रेगुलर साइक्लोन्स आते हैं। देखो हर दिन तुमको, अब ये साइक्लोन जो होते हैं इनका एक सीजन होता है, प्री मानसून भी आते हैं, मानसून के पहले और मानसून के बाद, समझा गया, पोस्ट मानसून। तो यहां पर, और यहां पर देखो साइक्लोन यहां भी आते हैं, ऐसे नहीं साइक्लोन यहां पे आते, बट यहां पर साइक्लोन्स कम आते हैं, यहां पर साइक्लोन्स बहुत ज्यादा आते हैं, समझा रहे। अब यहां पर अगर तुम इंस्टॉलेशन लगा दोगे, और मैंने क्या बताया था, यहां पर कैसी विंड होनी चाहिए, स्टेबल विंड होनी चाहिए, यहां पे ये वाला पैरामीटर देखो, स्टेबल विंड, ये लिखा है स्टेबल विंड, और यहाँ पर स्टेबल है, यहाँ पर स्टेबल नहीं है, पर इस वाले फ्रंट पे देखो स्टेबल है, हाँ तो यहाँ पर स्टेबल है, तो यहाँ पर स्टेबल है, इसलिए ये वाला आइडियल है, ये वाला आइडियल नहीं है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। तो सबसे पहले पता होना चाहिए इंडिया में किस किस रीजन में हमारे पास पोटेंशियल है और किस किस रीजन में पोटेंशियल नहीं है, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक। और दुनिया में सबसे, यहाँ पे समझो कि भाई इंडिया में तो इतना बड़ा कोस्ट लाइन है भाई, ये 7500 किलोमीटर से ज्यादा है, तो सोचो ये अगर हम सब जगह को अच्छे से टैप कर पाए तो कितना ज्यादा बिजली उत्पादन करेंगे। यहाँ वाला तो छोड़ ही दो, यहाँ वाला तो कम है, बट फिर भी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है ना हमारे पास, समझ में, और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे पूरा कहीं पे नहीं बिजली उत्पादन कर सकते, जैसे बताया ना बीच बीच जगह में, जैसे आंध्रा है, आंध्रा में हम बिजली उसका विंड का पोटेंशियल है, तमिलनाडु में बीच बीच में कुछ जगह पर पोटेंशियल है, यहाँ पर, समझा गया, बट ओवरऑल अगर जब बात करते हैं तो भाई हम इसको अच्छा नहीं मान के चलते, क्लियर है, पता उधर से, ठीक। तो क्या समझ में आया अभी, अभी समझ में आया कि कौन सा रीजन ज्यादा अच्छा है, तो भाई हमको समझ में आया कि भाई पीछे का रीजन बहुत ज्यादा है, मतलब पीछे का मतलब वेस्टर्न वाला, समझ में आ रहा है, क्लियर है। आप देखो विंड से कैसे हम एनर्जी जनरेट करते हैं ये समझ लो, ठीक है, विंड से कैसे काम होता है, क्लियर। अब इसी चीज को समझते हैं कि भाई विंड से कैसे काम होता है, विंड से हम क्या बोल रहे हैं, विंड से हम क्या यूज कर रहे हैं, एनर्जी कैसे काम करता है ये समझो। देखो इसे हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, विंड को एज अ यूज कर सकते हैं, विंड का यूज कैसे कर रहे हैं, देखो दो तरीके से, एक होता है विंड को हम काहे में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल, और एक होता है विंड से हम काहे में कन्वर्ट करा रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं हम भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, समझा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी, लेकिन ऐसे विंड को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक एनर्जी में, बीच में हमको एक माध्यम चाहिए, वो माध्यम क्या है, वो माध्यम है हमारा, वापस से हमको विंड को पहले मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, मैकेनिकल एनर्जी में,
अब इसको समझो कैसे काम करता है, क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी कैसे और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी, पहले ये समझते हैं मैकेनिकल एनर्जी। देखो ये है एक पंखा, ठीक, ये है विंड। विंड कैसी होनी चाहिए? विंड स्टेडी होनी चाहिए, समझ में आया, कांस्टेंट होनी चाहिए, ज़्यादा खतरनाक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नहीं काम करेगी, ठीक। अब देखो ये विंड है, इससे टकराएगी, इससे टकराएगी तो क्या ये रोटेट होगा? हाँ, ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। कौन कर रहा है रोटेट? ये कर रही टरबाइन, टरबाइन रोटेट कर रही है, तो ये भी तो घूमेगा। इसको क्या बोल रहा है? एक्सल, समझ में आ गया? ये यहाँ से घूम रहा है और यहाँ से हमने क्या कर दिया, अब इससे हम बिजली नहीं उत्पादन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? बट इससे हम क्या कर रहे हैं भाई, मान लो कि ये ऐसा करें, मान लो इसको ऐसा अरेंजमेंट करके रखा है कि ये जब पंखी घूम रही है तो ये भी घूमेगा, तो ये कुछ चीज़ें काम कर सकता है। जैसे कि मान लो कि भाई ऐसा अरेंजमेंट कर दिया, यहाँ से एक निकाल दिया और ये मान लो पानी निकालना है, समझ आ गया, तो पानी ऊपर नीचे कर सकते हैं हम, समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या आ रहा, बिजली नहीं उत्पादन कर रहे हैं बट इस एनर्जी का हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मैकेनिकल काम कर रहे हैं। जैसे कि विंड मिल, पवन चक्की ऐसे ही चलती है, उसमें बिजली नहीं बना रहे हैं बट हम कैसे भी करके ये टर्बाइन घुमा रहे हैं, टर्बाइन का ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं कि भाई टर्बाइन घूम रहा है तो कुछ और चीज़ें घूमने लगे, समझ आ रहा है? तो भाई चक्की में क्या होता है, पंखी घूमती है, वो हम पीसते हैं उसमें से, समझ में? तो विंड मिल कैसे काम कर रहे हैं, इसमें से बिजली उत्पादन कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, बट हम क्या यूज़ कर रहे हैं भाई, उसको बिजली नहीं हो रही है बट कोई काम करवा रहा है ना, वो काम कैसे हो रहा है? वो काम ऐसा हो रहा है कि उससे हम कोई चीज़ चला रहे हैं। क्या चीज़ चला रहे हैं? जैसे कोई चक्की चला रहे हैं या कुछ भी चला रहे हैं बट उसमें मैकेनिकल तौर पे तो काम हो रहा है ना, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी, समझ में आ रहा है? प्लस वाटर पंप में भी यूज़ कर सकते हैं, अभी बताया ना कि भाई हम उससे पानी भी तो नीचे से लिफ्ट करा सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। पहले याद करो, पहले रहट होता था, याद आया, पानी नीचे से निकालते थे ना, समझ आ रहा है? अरे हम कुएं से कैसे पानी निकालते हैं, कुएं से रस्सी से निकालते हैं, रस्सी को खींच रहा है, वैसे ही हम अरेंजमेंट करते हैं कि भाई ये घूम रही है तो ये रस्सी को खींचने लगे, रस्सी खींचेगी तो हम नीचे से मैकेनिकल अपलिफ्ट कुछ भी चीज़, पानी को हम ऊपर उठा रहे हैं, समझ आ रहा? तो इससे काम हो गया ना हमारा। तो इसमें क्या कर रहे थे हम, बिजली का उत्पादन नहीं कर रहे थे, हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल काम करवा लेते हैं। तो पवन चक्की काहे पे बिजली पे काम नहीं कर रही है, काहे से काम कर रही है, मैकेनिकल रूप से काम कर रही है। नीचे से वाटर पंप हम काहे से काम करवा रहे हैं, इससे काम करवा रहे हैं। समझ में आ गया मैकेनिकल एनर्जी वाला पार्ट? बताओ, ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई ये वाला कैसे काम करता है, इधर वाला बिजली कैसे उत्पादन कर रहे हैं। अब देखो सेम चीज यहां पर, देखो ये विंड है, विंड थी, टरबाइन को घुमा रही थी, टरबाइन ये क्या कर रहा था, घूम रहा था, रोटेट हो रहा था, समझ में आ गया? इससे हम क्या कर रहे थे, कोई काम करवा रहे हैं, बिजली उत्पादन नहीं कर रहे हैं। इसमें ये काहे में थी, ये काइनेटिक एनर्जी है, समझ में आ रहा है? ध्यान रखना, काहे में कन्वर्ट हो रही है, ये है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहाँ होती है? कोई भी चीज़ जब मूव कर रही हो, अभी पानी में जब मूव करता है उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई भी जब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, तभी तो मूव कर रहा होगा भाई। वो ऊर्जा नहीं है तो क्यों मूव कर रहा होगा, एनर्जी नहीं है तो मूव ही नहीं कर सकता, वो मूव कर रहा है, तो ये कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब ये किसी चीज़ को चलाने लगी ना, किसी चीज़ को घुमाने लगी, ये है टर्बाइन, समझ आ गया? ये टर्बाइन क्या, टर्बाइन घूमेगा, ये घूमेगा तो ये रॉड भी घूमेगी उसके साथ। अब इससे कोई चीज़ अगर अटैच कर दोगे तो उसमें भी तो मूवमेंट हो जाएगा ना, वो भी घूमने लगेगा। ये जब कोई चीज़ घूमने लगी यहाँ पर, समझ आ रहा है, तो वो क्या क्या वो कौन सा काम होने लगा, उसको बोल देंगे हम मैकेनिकल काम होने लगा, समझ आ गया? तो यहाँ पर देखो, काहे कौन सी ऊर्जा थी, काइनेटिक एनर्जी थी, इसमें कौन सी ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, काहे में कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। ये तो यहाँ पर देखो, ये काइनेटिक एनर्जी थी, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, कुछ मूवमेंट करा दिया, तो उसको वो काहे में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी, समझ आ गया? ये कौन सा पार्ट है, ये पहला पार्ट है जिसमें हम सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। फिर उस मैकेनिकल एनर्जी का हम यूज़ कर सकते हैं पानी नीचे से एक्सट्रैक्ट करने में और पवन चक्की चलाने में, समझ आ गया, विंड मिल चलाने में, क्लियर है? तो ये तो पहला पार्ट हो गया, लेकिन अब मैं क्या बात कर रहा हूँ भाई, इसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर रहे हैं, इतना क्लियर है ना?
अब देखो नेक्स्ट देख रहे हैं भाई, ये विंड है, विंड के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब ये काहे में कन्वर्ट होगी, देखते हैं काहे में कन्वर्ट होती है। ठीक, ये हवा चल रही है। ठीक, यहां पे हम लेते हैं कि भाई ये एक पवन चक्की है। ठीक है, इस पवन चक्की को हम क्या कर रहे हैं, रख दिए यहां पर। ये क्या कर रही है, जब ये इससे टकराएगी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है ये, तो ये घूमने लगेगा, तो घूमने लगेगा तो ये काहे में बदल गई, ये बदल गई मैकेनिकल एनर्जी में, समझा गया? अब इसके कारण क्या होगा, ये एक्सेल घूमेगा, समझ रहे हो, ये भी तो घूमेगा। अगर ये पंखी घूमेगी तो भाई सीधी बात है ये रॉड भी घूमेगा। अब मान लो इस रॉड को मैंने अटैच कर दिया एक टर्बाइन से, ये है टर्बाइन, तो भाई टर्बाइन भी तो घूमने लगेगा, समझ में आ रहा है? तो भाई ये टर्बाइन भी घूमने लगेगा। अब जब ये टर्बाइन घूमने लगेगा और टर्बाइन घूमने लगा तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको अटैच कर दिया जनरेटर से, समझ आ रहा है? क्लियर है? अब ये जनरेटर है तो जनरेटर में ये बिजली उत्पादन यहां से क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जनरेटर क्या करेगा, ये जो मैकेनिकल एनर्जी आ रही थी यहां पे उसको कन्वर्ट करके काहे में बना दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ना कन्वर्ट करा दिया, तो जनरेटर क्या कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी को काहे में कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यहां से हमको क्या मिल गई, इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आ गया? लेकिन अब एक चीज याद रखो, यहां पे टरबाइन लगा है ना, कई बार ये जो पवन चक्की है खुद ही टरबाइन हो जाती है, तो ये सीधा ही अरेंज कर देंगे हम किससे, जनरेटर से, समझ में आ रहा है? वो तो डिपेंड करेगा कि आप कितने स्टेज में उसको बना रहे, क्लियर है ये कैसे काम कर रहा है? तो देखो यहां पर पहले काइनेटिक एनर्जी थी जो कि पहले काहे में कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी में, फिर ये मैकेनिकल एनर्जी काहे में कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समझ में आ रहा है? ये दूसरा रूट है, इससे हम ऊर्जा निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है? इससे हम क्या एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, सेकंड कैटेगरी था, क्लियर है ये बात? बताओ, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि भाई तुमसे पूछेगा कि लोकेशन, ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पर पवन ऊर्जा हम का इस्तेमाल करके उसको यूज कर सकते हैं, समझा गया? तो ऐसी कुछ रीजन होते हैं, याद रखना कि भाई ऐसी रीजन है तो वहां पर हम पवन ऊर्जा लगा सकते हैं। कैसी रीजन? सबसे पहले मैंने क्या बताया, कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज मतलब ये हमारा इंडिया है, ये वाला एरिया आसपास, समुद्र के आसपास वाला जो भी रीजन होता है, यहाँ पर बहुत अच्छा जगह होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इसमें देखो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, याद है ना कि भाई दिन में इधर से इधर विंड ब्लो करती है, रात में उधर से उधर विंड ब्लो करती है, तो यहाँ पर हमेशा विंड क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह, कभी इधर से इधर आती है विंड, ठीक है, तो कभी इधर से इधर जाती है विंड, सुना रहा है? क्लियर? तो इसके कारण क्या होता है कि भाई यहाँ पर कोस्टल एरिया सबसे परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट जगह, समझा गया? दूसरा, जैसे लैंड और सी ब्रिज है, वैसे याद करो एक चीज और पढ़ा था, माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज, माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज, समझा? याद है कि दिन में इधर से इधर हवा चलती थी, ऊपर जाती थी, ऊपर से नीचे आती थी, तो इसलिए मैं एक और लोकेशन बोल सकता हूँ, भाई कोस्टल एरियाज हो गया, तो मैं इसको बोल सकता हूँ हिली एरियाज, है ना? हिली एरियाज मतलब जहाँ पहाड़ी वाला जो क्षेत्र होता है, हिली एरियाज, ठीक है, घाट्स, जैसे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, समझ में आ रहा है? क्लियर? वहाँ पे नेक्स्ट है एक आइलैंड वाला एरिया है। आइलैंड वाला एरिया क्यों? क्योंकि भाई ये आइलैंड है और आसपास पूरा पानी होगा, तो सीधी बात है पवन, इसके हवा जो होगी इसके आसपास हमेशा बनी रहेगी, समझ में आ गया? तो आइलैंड एक अच्छे रीजन होते हैं। नेक्स्ट एक रीजन और होता है, लगेगा कि नहीं होगा, बट डेजर्ट एक अच्छा रीजन होता है, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि डेजर्ट में हीट होती है, समझ में आ रहा है? हीट होने के कारण लो प्रेशर होता है वहां पे, ठीक है, लो प्रेशर के कारण आपको पता है जहां पे लो प्रेशर होता है तो हवा वहां पे उसकी तरफ बढ़ती है, समझ में आ रहा है? जब हवा उसकी तरफ बढ़ेगी तो सीधी बात है हवा में मूवमेंट होगा तो उसका हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, क्लियर? एक चीज और याद रख लो कि भाई 2022 तक कितना टारगेट है, कितना होना चाहिए, अभी क्या देखा था 2022 तक 60 गीगावाट,
लेकिन अभी के अनुमान जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार टारगेट एक और है 2030 तक कितना करना है। तो 2030 तक एक टारगेट है कि भाई हम 191 गीगावाट तक हम चाहें तो अचीव कर सकते हैं उसको, समझ में क्या, कब तक, 2030 तक एक और टारगेट है कि भाई 191 गीगावाट की बिजली हम काहे से उत्पादन करें, विंड से करें, समझ में क्या, क्लियर क्लियर है ये बात। क्या देखा अभी हमने, ठीक है, अब देखते हैं कि भाई दिक्कतें क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, और थोड़ा सा देखते हैं सर अभी इसके काम करने के लिए कुछ सरकार ने कोई योजना वगैरह बनाई है, क्या हो रहा है ये सब देख लेते हैं। अब एक चीज ध्यान दो, देखो ठीक, अब देखो, अब बिजली उत्पादन हम यहां पे भी कर रहे हैं ना, मतलब लैंड पार्ट पर, ये मेन लैंड है ठीक, और ये ओशियन है, समुद्र है, ये है आपका सी, ये क्या है सी, क्लियर है ठीक। अब देखो यहां पर जो भी हम इंस्टॉल करते हैं ये इसके अंदर यहां पर, इसको हम बोलेंगे ऑनशोर विंड, समझ में आ गया, ऑनशोर वाला सिस्टम है ये, ऑनशोर विंड सिस्टम, समझ में आ रहा है। और जो हम यहां पर मान लो यहां पे एक पवन चक्की लगा रहे हैं, या पवन चक्की बोलो, एक विंड मिल लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है, यहां पर एक विंड मिल है, यहां पर विंड मिल है, यहां पे लगा रहे हैं इस वाले रीजन में, तो अब इनको ऑनशोर ना बोल करके हम क्या बोलते हैं, ऑफशोर, ऑफशोर रीजन में लगाया गया, ठीक है, ऑफशोर, क्लियर। तो ऑफशोर कहां पे है, सी के पास, सी में हम इंस्टॉल करते हैं, ऑनशोर कहां इंस्टॉल करते हैं हम, लैंड पार्ट, क्लियर है, ऑनशोर और ऑफशोर क्लियर है ठीक, क्लियर। अब इसी के अनुसार सरकार की जो नीति है ना, विंड पॉलिसी कैसी होती है, ठीक है, विंड की जो पॉलिसी है वो दो पार्ट में बटी हुई है, एक होती है नेशनल ऑनशोर विंड पॉलिसी और एक है नेशनल ऑफशोर विंड पॉलिसी, ठीक है। पहले ये क्या था, एक ही था, पहले एक ही थी, उसको बोलते थे नेशनल विंड पावर पॉलिसी, बट 2015 में इसको अलग कर दिया गया, ऑफशोर वाले को, समझ में आ गया, क्लियर। अब दोनों को अलग अलग तरीके से, दोनों की अलग अलग पॉलिसी होती है, अलग अलग तरीके से करते हैं ठीक, क्लियर है इतनी बात, क्लियर। एक और पॉलिसी चल रही है सरकार की जिसको बोलते हैं, जो सोलार और विंड को एक साथ प्रमोट करने का सरकार ने सोचा है, उसके लिए एक और पॉलिसी है, सोलार विंड हाइब्रिड पॉलिसी, ठीक। ये कब आई थी, ये आई थी 2018 में, इसमें एक तरफ सोलार और एक तरफ विंड, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने का काम किया है और दोनों को एक दूसरे से इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेट माने कि भाई उन दोनों में एक मेल जोल बना रहा है, समझा रहे, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हों, दोनों एक दूसरे का यूज कर पाए, दोनों एक दूसरे की मदद कर पाए, इसीलिए एक इंटीग्रेशन बनाया गया, इसको बोलते हैं नेशनल विंड हाइब्रिड पॉलिसी, सोलार विंड, सोलार और विंड दोनों का हाइब्रिड हो गया ना, समझा गया। इससे कर क्या रही है सरकार, इस पॉलिसी से, इस पॉलिसी से क्या करती है, देखो इस पॉलिसी से कर रही है, इससे ग्रिड कनेक्टिविटी बढ़ा रही है, इसको बढ़ाएगी ठीक है, हाइब्रिड सिस्टम बना रहे हैं, एक फोटोवोल्टाइक प्लस विंड का, दोनों का, मान लो एक प्लांट है उसमें हम क्या फोटोवोल्ट पीवी सेल से भी बिजली उत्पादन कर ले, विंड से भी उत्पादन कर ले, ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप करने का चल रहा है ठीक है ना, उससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, समझ में आ रहा है, और बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे हम, समझ में आ गया। तो ये सब कुछ पॉलिसीज हैं, ये ऐसे लिखने को नहीं आएगा कि इस पॉलिसी पर लिखो, पर जब आंसर लिखते हो ना तो मेंशन कर दोगे कि भाई यहाँ एक पॉलिसी है, एक पॉलिसी है और एक ये पॉलिसी है,
तो उससे क्या होगा कि एक थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हो जाता है, बस और कुछ समझ में आ गई बात। अब देखते हैं नेक्स्ट 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 समझो प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है ना, विंड सेक्टर में, ठीक है, विंड सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स ये देखना है, ठीक है। अब समझते हैं इंडिया के विंड सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स, फटाफट इसको निपटाते हैं। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स इन द विंड सेक्टर, ठीक है ना, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक। पहली प्रॉब्लम भाई, पिछले 3 सालों में से प्रोडक्शन में डिक्रीज हो रहा है। हमने देखा है कि भाई लास्ट थ्री ईयर से जितनी भी बिजली उत्पादन होनी चाहिए वो बढ़नी चाहिए ना, बट यहाँ पे कम हो रही है। प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, प्रोडक्शन कम है, ठीक। प्रोडक्शन कैसे कम हो रहा है, ठीक, इसका रीज़न एक ये है कि पहले क्या करती थी ना, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती थी, समझा, कि पहले गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती थी, बहुत सारी छूट देती थी, बहुत सारी सुविधा देती थी, बहुत सारी फैसिलिटीज देती थी, टैक्स छूट देती थी, ये सब टैरिफ में छूट देती थी, बहुत सारी फैसिलिटीज देती थी। अब धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने ये सारे इंसेंटिव्स जो है ना, गवर्नमेंट विथड्रॉ कर ली है, ठीक है, अब इनमें विथड्रॉ कर ली है। जब इंसेंटिव्स में आप विथड्रॉ कर दोगे तो भाई उस पर लोगों का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो करने वाले थे वो करेंगे नहीं, समझ आ रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा कि भाई इन्वेस्टर्स ना जो पैसा लगाने वाले हैं वो प्रिफर करते हैं क्या, सोलार पर इन्वेस्ट करना, समझा क्या, क्योंकि ये ज्यादा उनको बेनिफिट लगता है इसमें, समझा क्या, इनमें उनको ज्यादा उनको बेनिफिट लगता है, ठीक है, क्लियर। और एक चीज बताता हूँ भाई, मान लो कि भाई यूनिट कॉस्ट ऑफ जनरेशन है ना, जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन मान लो एक यूनिट जनरेट कर रहे हैं तो सोलार कम में हो जाता है, सोलार का कॉस्ट कम है, विंड का कॉस्ट ज्यादा है, समझ में आ गया। तो इस कारण क्या है, एक और रीजन हो गया, थर्ड रीजन, इसके कारण कंपटीशन है ना सोलार से, कंपटीशन विथ सोलार एनर्जी है ना, कंपटीशन विथ सोलार एनर्जी, सोलार एनर्जी से कंपटीशन है तो फिर वही चीज भाई, प्राइस तो बढ़ जाएगा ना, किसका, विंड का, तो विंड को कौन परचेज करेगा, विंड को परचेज करने वाले ही नहीं है। जब विंड से एनर्जी परचेज नहीं होगी तो भाई ये अच्छे से इस पर कोई खरीदेगा क्या बिजली, नहीं खरीदेगा। नेक्स्ट देखो चौथा पॉइंट, ठीक, चौथा पॉइंट क्या है, जो पॉलिसीज है ना, जो भी अभी पॉलिसीज देखी है तुमने, पॉलिसीज एट प्रेजेंट जो भी हैं हमारे पास, अभी देखी थी ना नेशनल ऑफशोर और ये सब, ये अभी अभी बहुत नई नई पॉलिसीज हैं, इन पे ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस नहीं है और ये अभी ट्रांजिशन फेज पे है, समझ रहे, अभी ये ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, समझ रहे, पॉलिसीज एट प्रेजेंट आर इन ट्रांजिशन फेज, ट्रांजिशन फेज, समझ गए, नॉट वेल डेवलप, अच्छी खासी पॉलिसी नहीं है, ट्रांजिशन फेज मतलब समझ रहे हो ना कि भाई बस जो बहुत घटिया कंट्रीज होती हैं, पुअर कंट्रीज, उनकी तो पुअर पॉलिसीज होती हैं, एक एडवांस कंट्रीज होती हैं जिनकी बहुत अच्छी पॉलिसीज होगी, हमारी इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। और विंड के लिए क्या होता है कि बहुत अच्छी पॉलिसीज होनी चाहिए जब जा करके आप कर सकते हो। नेक्स्ट पाँचवा पॉइंट, डिस्कॉम्स की प्रॉब्लम, डिस्कॉम्स प्रॉब्लम, ये क्या होते हैं डिस्कॉम्स, मतलब जो मान लो कि भाई ये विंड एनर्जी यहाँ से उत्पादन हुई, ये विंड एनर्जी का प्लांट था, इसने विंड क्या करा, इसको जनरेट किया, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी, अब इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज कहाँ होगा, ये इंडस्ट्री में यूज होगा, ये घरों में यूज होगा, हाउस होल्ड वाले हाउस, समझा, इनमें यूज होगा ना, ये हाउस होल्ड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होंगी, समझा गया, बहुत सारी फैक्ट्रीज होंगी। अब ये यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचाता है ना, यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचाने का काम होता है उसको बोलते हैं डिस्कॉम्स, डिस्कॉम्स मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटरी कंपनीज, समझ में आ गया, डिस्ट्री
डिस्ट्रीब्यूटरी कंपनीज, मतलब जो क्या कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ से, जहां से ये जनरेट हो रही है और कहां पर, कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर मतलब जो उसका उपभोक्ता होता है, क्लियर। जहां जनरेट होती है जहां, उसको बोलते हैं डिस्कॉम। इनकी क्या प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम ये है कि भाई इनको पेमेंट टाइम से नहीं मिलता, डिलेड पेमेंट्स, समझ में आ गया, क्लियर। प्लस इनको बहुत सारे सरकार इन पर रिस्ट्रिक्शंस रखती है कि भाई आपको यहां से खरीदना है, वहां से खरीदना है, समझ में आ रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है, एक तो पेमेंट नहीं मिल रहा, समझ में आ रहा है, और इधर से खरीदो उधर से खरीदो, महंगी इलेक्ट्रिसिटी खरीदो, इसलिए क्या हो रहा है, इनका जो एफिशिएंसी है और कॉस्ट होता है ना, वो बढ़ जाता है। एफिशिएंसी प्लस इनका जो कॉस्ट है वो बढ़ गया, जिससे इनको क्या हो रहा है, इनको इन सब के कारण इनको हो रहा है लॉस, समझा ना, इनको लॉस होता है, तो इसलिए ये ढंग से काम नहीं कर पाते, और इनका क्या हो रहा है, एनपीए बढ़ रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ता है, समझा ना, क्लियर है। पाँच पॉइंट देख लिया हम लोगों ने, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, छठवां पॉइंट बना लिए थे ना सब, ये पाँचवा पॉइंट बना लिए हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है छठवां, भाई इसके लिए जमीन चाहिए ना, विंड मिल लगाना है तो उसके लिए जमीन चाहिए। अब एक मिल विंड मिल लगा करके थोड़ी हो जाएगा कुछ, ऐसे बहुत सारे विंड मिल लगाने, तो पूरा का पूरा एकड़ एकड़ की जमीन चाहिए रहती है। अब उसके कारण क्या होता है कि लैंड आसानी से मिलता नहीं, और सबसे बड़ी बात, जहां पे जरूरत है वहां पे मिलता नहीं। तो सबसे पहले समझ लो कि भाई विंड, अभी हमने क्या देखा कि ऐसे बहुत सारी जगह जहां पर हवा चलती है, पर मैंने क्या बताया कि भैया कुछ ही निश्चित जगह पर ही मिलेगा वो, समझ में आ गया। विंड ये क्या होता है, लोकेशन स्पेसिफिक होता है, लोकेशन स्पेसिफिक मतलब रीजन स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि विंड मिल हर जगह लगा सकते हो, भाई मान लो कि भाई अब भोपाल में लगा लोगे क्या, रेगुलर लगा भी लोगे तो तुम्हारा जो कॉस्ट होगा वो बहुत महंगा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो भाई इसीलिए ऐसा आइडियल कंडीशन होता, अभी देखा था ना कि हिली एरियाज में, कोस्टल एरियाज में वहाँ हो गया था ना। तो ये देखते हैं, देखो छठवां पॉइंट क्या बताया था मैं कि भाई ये जो विंड है, विंड एनर्जी हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं क्या, विंड एनर्जी और सोलार एनर्जी में क्या फ़र्क है। देखो सोलार एनर्जी में एक तो ये इस कारण भी सोलार एनर्जी से कंपटीशन नहीं कर पाता, पहला विंड है रीजन स्पेसिफिक, हर जगह नहीं उत्पादन कर सकते आप विंड एनर्जी का, है ना, कुछ ही निश्चित जगह चाहिए आपको। इसमें एक चीज याद रखो, विंड रीजन स्पेसिफिक होता है, ये सब जगह है, समझना क्या, ठीक है। ये क्या होता है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब ये नहीं कि पोल्स में जाकर के अब अपन बिजली उत्पादन करेंगे, यूनिवर्सल मतलब जहां तक ट्रॉपिकल जो रीजन है ना, वहां पर आप इंडिया में कहीं भी रहो सूर्य की रोशनी तो आएगी आएगी, समझना क्या। हम बात करें ट्रॉपिक प्लस थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल लेवल, क्लियर। यहाँ पर अब यूनिवर्सल लिख दो, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि भी जा करके अब नॉर्थ पोल में जा करके सोलार एनर्जी जनरेट कर रहे, ठीक है ना। यूनिवर्सल मतलब ये, या फिर ऐसा लिख लो नॉट अ रीजन स्पेसिफिक, क्योंकि सनलाइट तो सब जगह आएगी, क्लियर, सनलाइट सब जगह आ रही। प्लस इसके लिए एक चीज और थोड़ा सा दिमाग में रख लो कि विंड, अब ऐसा नहीं कि भाई हल्की सी मंदी मंदी अगर विंड चल रही है तो भी आप तुम उससे बिजली उत्पादन कर सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हैं उससे, ठीक है, उससे हम क्या करना है भाई, विंड की स्पीड होनी चाहिए कम से कम, विंड स्पीड कम से कम 8 मीटर पर सेकेंड की तो चाहिए, समझना क्या, क्लियर है। वैसे सोलार में, सोलार भी डिपेंड करता है, अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है ना, इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा उत्पादन होगा, यही तो रीज़न है कि गर्मियों के समय में ज़्यादा उत्पादन कर सकते हो, बरसात के समय में कर ही नहीं सकते, एनर्जी उत्पादन बढ़ जाएगा। ये दो चीज़ याद रखना, विंड की स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड कम से कम तो होनी चाहिए, एनर्जी इतनी होनी चाहिए। अब ये रीजन स्पेसिफिक है, मतलब मैंने क्या बताया था, ये कुछ ही जगह पे हम बना सकते हैं, जैसे ईस्ट वाले में बना सकते, ईस्ट वाले में अच्छी जगह है, ईस्ट कोस्ट में नहीं है, वेस्ट कोस्ट में है, ठीक है, वही वैसे हिली एरियाज में कर सकते हैं हम, तो सब जगह इसको लगा भी नहीं सकते विंड वाले को, लेकिन सोलार को तो सब जगह लगा सकते हैं,
एक और ये कंपटीशन हो गया। प्लस अब जहां पर एक तो ये दिक्कत है कि वे रीजन स्पेसिफिक है, वहीं पर सातवां पॉइंट ऐड कर लो इसमें एक चीज और, क्या एक तो भाई ये क्या था कि भाई रीजन स्पेसिफिक था, और दूसरा मान लो कि कोस्टल एरियाज में चलो विंड चल रही है, हिली एरियाज में विंड चल रहा है, समझ में आ गया, फिर वहाँ लैंड एक्विजिशन की दिक्कत है, अब भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा वहाँ से लोगों को, और लोग इसका विरोध करने लगते हैं। तो एक और लास्ट पॉइंट क्या है, लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम, क्योंकि भाई विंड का प्लांट है, देखो इसको बहुत एरिया चाहिए भाई, इसको रिक्वायर्स लार्ज एरिया, सन को भी लार्ज एरिया चाहिए सोलार वाले को, बट ये कहीं भी लगाया जा सकता है, समझ में, इसको तो नाली के किनारे लगा दो, कैनाल में बिछा दो, समझ में, कोई भी एरिया, बस सूरज की रोशनी आनी चाहिए वहां पर, छत पे लगा लो, समझ में, टेरेस पे लगा लो, समझ में, कहीं पे भी लगा सकते हम, बट इसको आप छत पे नहीं लगा सकते, आप हवा भी तो चलनी चाहिए आपकी छत, समझ में आ गया, तो रिक्वायर्स एरिया, ठीक है, और लैंड एक्विजिशन क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा एरिया चाहिए, इसके कारण क्या होता है, पब्लिक प्रोटेस्ट, फिर एक तो पब्लिक प्रोटेस्ट मान लो मान गए तो उनको हाई कंपनसेशन दो लोगों को, समझ में क्या, हाई कंपनसेशन चाहिए उनको, हाई कंपनसेशन के साथ साथ फिर उसका जो कॉस्ट हो जाता है, कॉस्ट बढ़ जाता है, समझ में आ रहा ना, तो क्या क्या प्रॉब्लम से ये फेस कर रहा है, क्लियर है ये बात, ये कभी भी आए विंड सेक्टर का, तो विंड सेक्टर से जो जो प्रॉब्लम्स हैं ये सब हमने 6-7 पॉइंट देख लिए हैं, ये आप बता सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ और मैंने बताई कि भाई एक और देख लो, एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ऑफशोर जो है ना, ऑफशोर मतलब ये इंडिया है, इसके बाहर यहाँ वाला समुद्र वाले एरिया में, यहाँ पे जो हम बिजली उत्पादन करने की बात कर रहे हैं विंड से, यहाँ पर जो विंड एनर्जी हम जनरेट करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये तो नया है ना, ये लेटेस्ट है, सरकार इसी पर अभी फोकस कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड अभी पॉलिसी बनाई है 2015 में हमने देखा है ना, तो इसमें भी कुछ दिक्कतें हैं, क्या दिक्कतें हैं ये समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स विथ ऑफशोर विंड पॉलिसी से, ऑफशोर जो विंड एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं है ना, ऑफशोर विंड एनर्जी उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर रहा है, समझ में आ गया। सबसे पहला देखो एक चीज बताऊं, ऑफशोर में अगर आपको, हाँ हाँ बिल्कुल, जो जो लिखना है सारा लिख दो, पर ये जो पॉइंट्स है ना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इनको प्रायोरिटी दी जाती है, पहले इनको लिखा जाता है, इसके अलावा तो बाकी फिर बता सकते हो कि पर्यावरण में ये है वो है ये सारी दिक्कतें हैं वो सब देख लेना जैसा भी, पर ये सब पे ज़्यादा ध्यान दिया करना, ठीक है। ऑफशोर, इसके ऑफशोर जो एनर्जी विंड एनर्जी होती है ना, ये थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा, इसको चालू करने से पहले, इसको रिक्वायर्स, इसको चालू करने से पहले बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, समझ में आ गया। आप तो अपने लैंड पे एरिया पे तो पता नहीं है कि कहाँ कहाँ रेगुलर विंड फ्लो करती है, सोचो उस एरिया में जहाँ पर कोई रहता भी नहीं है वहाँ पर आपको पैनी नज़र रखनी पड़ती है कि भाई कहाँ पे हम ऐसा प्लांट बनाए, अपना ये सेटअप बनाए ताकि वहाँ पर हम अगर एक बार लगा दिए तो वहाँ से रेगुलर रूप से बिजली उत्पादन हो सके, समझ में आ गया। इसको बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हिसाब से आपके पास खूब सारा डाटा होना चाहिए, समझ में आ गया। ये जो डाटा होना चाहिए ये पूरा साइंटिफिक बेसिस पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई आज डाटा निकाला और प्लांट सेटअप कर दिया फिर पता चला वहाँ पर हवा ही नहीं चल रही है, हवा नहीं चल रही है और इतना बड़ा सेटअप कर दिया और फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, लॉस हो गया वो, इसीलिए साइंटिफिक बेसिस पर होना चाहिए डाटा, समझ में आ गया। इसीलिए इसमें बहुत साल तक पहले क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझ में आ गया। जैसे एक एग्जांपल है, जर्मनी ने क्या किया था, जर्मनी ने 8 ईयर्स तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, फिर उसके बाद उसने डाटा गैदर किया, उसके बाद उसने अपनी पॉलिसी निकाली थी, समझ में आ गया। उसके बाद वो अपनी पॉलिसी के लेके आई, केम अप विथ ऑफशोर पॉलिसी, ऑफशोर वाले की बात कर रहे हैं अभी हम, समझ में आ गया, जो हम बाहर समुद्री एरियाज में लगाने की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। ऑफशोर पॉलिसी मतलब कैसा, कि भाई ये तुम्हारा जमीन है, ठीक है, ये पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक, अब हम इस प्लांट को सेटअप कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे लोग रह नहीं रहे हैं, लोग तो यहाँ पे रह रहे हैं, कॉलोनी वगैरह यहाँ बसी हुई है, ठीक है, ये है, ये यहाँ पे बसे हुए हैं, पर हम ये पावर प्लांट कहाँ पे लगा रहे हैं, ये,
समुद्र में, ये देखो यहाँ से पूरा ये समुद्र चालू हो गया, यहाँ से दूर हमने चालू किया, ये कौन सा होगा ऑफशोर, ठीक है। और यहाँ पर मान लो एक विंड हमने लगा दिया है ये, तो ये क्या कहलाएगा ऑनशोर, समझ में आ रहा ना ये। तो अब देखो वापस से आते हैं उस पर, मैंने क्या बोला कि जर्मनी ने 8 साल तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया था, उसके बाद वो फिर अब पॉलिसी लेके आया, अब उसका ढंग से काम हो रहा है, समझ में आ गया। तो पहला चैलेंज ऐसी है कि भाई बहुत सारा समय चाहिए, टाइम, समझ में आ गया, एक तो टाइम चाहिए, इसको टाइम देना पड़ता है बहुत सारा। टाइम किस लिए, ऐसे कि बस फोटो और ये सब लेने के लिए नहीं, टाइम मतलब भाई डाटा कलेक्शन करने के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए, समझ में आ कि भाई कहाँ हवा चल रही है, कहाँ पर सेटअप लगाएं, कहाँ पर बेनिफिट होगा, ये सब चीज़, ठीक है, ये बहुत चाहिए। और हमने हड़बड़ी में सारी पॉलिसीज वगैरह डेवलप कर ली अपनी, क्लियर है। तो एक चैलेंजेस ये है कि भाई बड़ा समय लगता है, अब मान लो कि आपको आज इन्वेस्ट करना है तो 8-10 साल का पहले इंतजार करो, समझ में, तब जा करके उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये कैसा है, टाइम टेकिंग प्रोसेस, काहे के लिए, फॉर सेटअप, सेटअप करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए टाइम लगता है इसमें बहुत, एकाएक नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इसको ना अगर हम कंपेयर करें ऑनशोर से तो ये बहुत पैसा लगता है इसमें, सोचो समुद्र के बाहर आप कर रहे हो, समुद्र में जाकर के सेटअप कर रहे हो, यहाँ पर तो आपको लैंड है, सब कुछ है, सीधा सीधा खड़ा कर दिया, वहां पर सोचो पानी के अंदर पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तब जा करके आप सेटअप कर सकते हो, इसीलिए इसको तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये कैसा है, कैपिटल कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, समझ में, ऐसा नहीं कि भाई बस मन कर रहा है तो वहां पर जाकर के प्लांट डाल दिया, समझ में आ रहा, क्लियर है, ये तीसरा पॉइंट है, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, ठीक। नेक्स्ट देखो चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा हूँ भाई, अभी एट प्रेजेंट ऑफशोर में लीडर कौन है, ग्लोबल लीडर, सबसे ज्यादा बिजली कहाँ उत्पादन होती है, तो वो है यूरोप में, समझ में आ गया, एट प्रेजेंट क्या है, ग्लोबल लीडर कौन है प्रोडक्शन का, वो है यूरोप, ठीक, काहे में, ऑफशोर वाले में, और ऑनशोर में भी सब ज्यादा वहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ऑफशोर में लीडर है, ग्लोबल लीडर है इसने, यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज है ना, देखो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया इन्वेस्टमेंट में, उनको क्या किया था, गवर्नमेंट ने ना बहुत सारा इंसेंटिव्स दिया था, इंसेंटिव्स बहुत मिला था, मतलब सरकार के द्वारा इन इन्वेस्टर्स को खूब सारा सपोर्ट था, तब जाकर के उन्होंने सपोर्ट किया है, समझ में आ रहा है, उन्होंने खूब सारा पैसा लगाया है, तब जाकर के इन्होंने अपना जो भी पैसा था उसको पंप किया है इस सेक्टर पे, ऑफशोर सेक्टर में, समझ में गया, और वो भी आज भी गवर्नमेंट उनको स्टिल सपोर्ट करती है। और अभी हमने क्या देखा कि हमारे यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंसेंटिव्स खत्म करते जा रही है, सपोर्ट ही नहीं करती। इंडिया में क्या दिक्कत है, इंडिया में ये वाला जो सिस्टम है, सपोर्टिंग सिस्टम जो है गवर्नमेंट की तरफ से, वो नहीं। प्लस अभी हमने देखा गवर्नमेंट क्या कर रही है, विथड्रॉ करते जा रही है अपने जो भी इंसेंटिव्स है ना, उनको पीछे लेते जा रही है, सपोर्ट खींच रही है, इसलिए कौन भी इन्वेस्ट करेगा भाई इसमें, समझना है, ये तीसरा पॉइंट है, समझना क्या। नेक्स्ट चौथा पॉइंट देखो, जो यूरोप जो ऑफशोर से प्रोड्यूस करता है ना, ऑफशोर से जो बिजली उत्पादन करता है, वो हमारे ऑनशोर से भी सस्ता है, समझ में, और हमारे देखो आप ऑनशोर से बिजली उत्पादन करोगे ना ऑनशोर से, तो उसका प्राइस जो रहेगा वो कम रहेगा, लेकिन ऑफशोर से जो उत्पादन करोगे ना उसका उत्पादन क्या होगा, वो ज़्यादा रहता है, क्यों, क्योंकि अभी पता ना इसमें ऑफशोर में बहुत दूर जाकर के आप प्लांट तैयार करते हो, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, इसलिए इसका प्राइस बढ़ जाता है। और सोचो हमारे यहाँ यूरोप का जो ऑफशोर टैरिफ है ना, वो हमारे से कम है,
हमारा इंडिया का ऑनशोर टैरिफ ज्यादा है, इंडियन ऑनशोर का टैरिफ ज्यादा है, ठीक है, क्लियर, ठीक, क्लियर है ये? कितने पॉइंट हो गए? 3-4 हो गए अपने। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये लिख लो जल्दी से फटाक से, फिर मैं नेक्स्ट बढ़ूंगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, और लोगों को क्या लगता है, इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है, इन्वेस्टर सोचते हैं भाई अभी तक ऑनशोर वाला ही प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है। सोचो हम ऑनशोर में ही अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं तो ऑफशोर में पैसा लगाने का क्या मतलब? सरकार ऑनशोर तो बना नहीं पा रही है, जो ज्यादा इजी है, समझ में, जो ज्यादा सस्ता है, वो खुद सोलार सेक्टर से कंपटीशन नहीं फाइट कर पा रहा है। तो अगर हम इसमें पैसा लगा देंगे तो भाई सोचो ये तो उससे भी महंगा हो जाएगा ऑनशोर वाले से, तो वो भला सोलार वाले से कैसे फाइट कर सकता है, समझ में आ गया? तो यही लिखो, इन्वेस्टर्स डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन ऑफशोर, ऐसा क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई सिंस ऑनशोर विंड सेक्टर इज इट्सेल्फ नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, है ना, वो खुद ही ढंग से डेवलप नहीं हुआ है। और सोचो ऑनशोर विंड सेक्टर और यहाँ है विंड, यहाँ पे सोलार विंड सेक्टर, सोलार सेक्टर, समझ में आ गया? इन दोनों में ज़्यादा सस्ता कौन सा है? इसका जो प्राइस है ना वो ज़्यादा है, इसमें जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें प्राइस कम है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, तो भाई ये वाला ज़्यादा कंपटीटिव हो गया ना, इसी से ही हम कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। और सोचो ऑफशोर वाले का तो इससे भी ज़्यादा प्राइस होता है, ऑफशोर से जो हम बिजली उत्पादन करेंगे उसमें से जो लागत लगेगी और प्रोडक्शन होगा वो तो और ज़्यादा होगा, तो भाई इससे और कहाँ कंपटीशन रह पाएगा, समझ आ गया? तो ये तो फेल ही हो जाएंगे हम फिर तो, समझ आ गया? तो इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि भाई इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, समझ आ गया? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि राइट नाउ सोलार एनर्जी इज चीप, इसीलिए कहाँ पर बेटर कहाँ पर होगा, उनको लगता है कि सोलार पे ही इन्वेस्ट करो, तो उनको ऐसा लगता है बेटर टू इन्वेस्ट इन सोलार, ठीक, ये हो गया, समझ में आ गई बात, ठीक। तो अब बताओ आगे क्या करना चाहिए, सरकार को क्या स्टेप लेने चाहिए, मतलब यहां पे क्या बोलोगे कि क्या करना चाहिए, व्हाट नीड्स टू बी डन। तो पहला कि भाई एक तो इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और एक तरफ है सरकार, ठीक, दोनों के बीच में एक दिक्कत है, क्या ये इनके बीच में ट्रस्ट नहीं है, समझ में, इनके बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है। सरकार पॉलिसी लेके आ रही है पर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि उनको लगता है कि भाई उनका पैसा डूब जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इन इन्वेस्टर्स को एक तो इंसेंटिव्स देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, समझ में आ गया? जो ये गवर्नमेंट इन पर टैरिफ लगाती है, समझ में आ गया, ये जो टैरिफ लगाती है उसको कम करना चाहिए। जो भी इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं ना, बाहर से सामान इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं सामान। अब विंड मिल, अगर विंड पूरा एक सेटअप बनाना है तो भाई इंडिया में मान लो सारे पार्ट्स इंडिया में मिल जाएंगे, इसकी श्योरिटी है क्या? नहीं है, समझ में आ गया? तो हम क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इनको सबको आपको क्या करना चाहिए, जीएसटी वगैरह सब मुफ्त कर देना चाहिए, समझ में आ गया? इनमें टैक्स इंसेंटिव्स देना चाहिए, ठीक, क्लियर है? प्लस गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा डर लगता है कि भाई, इन्वेस्टर्स को भी डर लग रहा है कि इन्वेस्ट करने का, गवर्नमेंट को भी डर है कि भाई इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट कर दिए तो फिर कहीं उनका प्रोजेक्ट ना डूब जाए। इसलिए गवर्नमेंट को और इन दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट लेवल जो है वो बढ़ाना चाहिए, समझ में आ गया? गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ को कम करना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए, सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, और गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज लेनी चाहिए, पॉलिसीज जो कि क्या हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, लॉन्ग टर्म में हो, इन्वेस्टर्स के हित में हो,
इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में हो, समझा क्या, ऐसी पॉलिसीज जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हो कम हो, कम हो, पॉलिसीज में जो डाटा हो ना वो डाटा ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्वेस्टर्स को ही वो डाटा खुद से कलेक्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को खुद फोकस करना चाहिए सबसे पहले डाटा पे, वो डाटा जिसको फिर एक रिपोजिटरी बनानी चाहिए, मतलब एक क्या करना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म बना दे, मतलब अपलोड कर दे वो सारा डाटा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जिस इन्वेस्टर्स को भी वो डाटा जा कर के देखे और उसको लगेगा कि भाई हाँ मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मेरे को ये सही लग रहा है इसलिए मेरे को आप यहाँ पे परमिशन दीजिए, तो अब ऐसा होगा ना, गवर्नमेंट खुद से डाटा अगर रिलीज करेगी तो ज़्यादा अच्छा है, समझा क्या, लेकिन अगर प्राइवेट खुद से जा जा करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तो उनके लिए तो बर्डन हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये सारी चीज़ों पे सरकार को फोकस करना चाहिए, समझा क्या, और इससे गवर्नमेंट को हमेशा एवरग्रीन पॉइंट रहता है ये, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि भाई प्रमोट करना चाहिए क्या, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ये ज्यादा से ज्यादा बढ़े, समझ में आ गया ये बात, तो विंड सेक्टर में इससे ज्यादा तुमको कुछ पढ़ने का नहीं है, इससे ज्यादा पूछेंगे भी नहीं, वो कुछ समझ में आ गया, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस यही तो देख पूछी जाती है, बस खत्म हो गई बात।